लॉकडाउन का समय चल रहा है और हम सभी स्ट्रीट फूड को काफ़ी मिस कर रहे हैं, तो आज हम बनाएंगे रगड़ा पैटिस। इसे बनाना काफ़ी आसान है और ये जल्दी भी बन जाता है, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। हमें लगेंगे 6 से 7 घंटे के लिए भिगोए हुए सफ़ेद मटर। इसमें हम थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी डालकर इसे अच्छे से 4 से 5 सीटी आने तक कुकर में कुक कर लेंगे। हमें लगेंगे 6 से 7 बॉइल्ड मैश्ड आलू। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर की वजह से इसको काफ़ी अच्छा कलर आता है। फिर हम इसमें डालेंगे 3/4 टेबल स्पून चाट मसाला। थोड़ा सा स्पाइस एलिमेंट ऐड करने के लिए हम इसमें डालेंगे 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब चाहो तो इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो। फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है हमें इसमें, और फिर अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। दोनों हाथों में ऑयल अप्लाई करके हम इस मिक्सचर को अच्छे से पैटिस का शेप देंगे। गरम तवे पे हम ऑयल डालेंगे और फिर हमारे पैटिस को अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। हमारे पैटिस बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हो कैसे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं ये। तो चलिए अब रगड़ा बनाते हैं। हमारा मटर बिल्कुल कुक होकर रेडी है। स्लाइटली इसे हमें मैश कर लेना है थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी देने के लिए। डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, 3/4 टेबल स्पून चाट मसाला। इसकी वजह से इसको काफी चटपटा स्वाद आता है। हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टेबल स्पून हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग डालेंगे। आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश बारीक कटा हुआ धनिया। चटपटा रगड़ा भी तैयार है, तो चलिए अब बनाते हैं रगड़ा पैटिस। हम लेंगे पैटिस, इस पे हम डालेंगे चटपटा रगड़ा। अब हम इसमें डालेंगे इमली की चटनी, पुदीने की चटनी और लहसुन की चटनी। चटनी बनाने की रेसिपी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्रंची ट्विस्ट देने के लिए हम इसमें एक पूरी क्रश कर डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सेब। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा नींबू का रस डालकर और बारीक कटा हुआ धनिया डालकर आप इसे अच्छे से मिक्स कर खाइए। काफी फ्लेवरफुल और स्वादिष्ट है ये। लॉकडाउन के समय में आपके स्ट्रीट फूड क्रेविंग्स को सेटिस्फाई कीजिए, इसे जरूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा ये। इसका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें।